सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर लिस्टेड। माय नेम इज अजय नारंग। सो अपनी बिल्डर फ्लोर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आगे हूँ एक बिल्डर फ्लोर में जो कि आ जाता है साउथ सिटी वन के अंदर, सेक्टर 41। आई थिंक साउथ सिटी वन के बारे में आपको पता ही है, प्रीमियम लोकेशन आपकी आ जाती है गुरुग्राम के अंदर। सो ये जो बिल्डर फ्लोर है वो है 239.20 स्क्वायर यार्ड प्लॉट के ऊपर, एक तरह से 240 गज प्लॉट के ऊपर ये हमारी 3 BHK विथ 3 वॉशरूम विथ सर्वेंट रूम आपकी डेवलपमेंट आ जाती है। डेवलपमेंट आपकी वही स्टिल्ट और 4 फ्लोर जैसे बिल्डर फ्लोर के अंदर रहता है और इस हिसाब से कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बाकी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, सो ये कनेक्टिविटी जो हमारा हुड्डा मेट्रो स्टेशन है वहां से 1 किलोमीटर 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस है, और अगर मैं बात करूं हमारा NH8 से, सो 1.4 किलोमीटर अराउंड 5 मिनट का डिस्टेंस हमारा NH8 से आ जाता है। जब हम इफ्को चौक से ये आपका राजीव चौक जाते हैं तो बीच में सेक्टर 29 का जो इंटरसेक्ट आता है वहाँ से अगर मेन NH8 से बात करो तो 5 मिनट का डिस्टेंस जो आपका लोकेशन से आ जाता है, और मेट्रो से मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट की कनेक्टिविटी है। सो इस हिसाब से कुछ आ जाता है साउथ सिटी के अंदर आपकी प्रीमियम लोकेशन है। और बिल्डर फ्लोर भी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो प्रीमियम बिल्डर फ्लोर विद A+ क्वालिटी के साथ जो है बिल्डर ने इस बिल्डर फ्लोर को बनाया हुआ है। सो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में जो हम प्राइसिंग की डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो ये देखिए, ये हमारा मेन रोड आ जाता है जहाँ हमारा बिल्डर फ्लोर आ जाता है। ये इस तरफ हमारा मेन सेक्टर रोड आ जाता है और ये आ जाता है हमारा बिल्डर फ्लोर। ये हमारा नीचे स्टिल्ट एरिया है, तो ये हमारी रोड सीधा मेन सेक्टर रोड को चली जाती है। सो चलिए आगे अंदर चलते हैं। सो ये हमारा स्टिल्ट एरिया आ जाता है। यहाँ ये आप नीचे वाटर स्टोरेज के टैंक देख पा रहे होंगे, सबका एक अलग अलग वो है। और ये हमारा जो है स्टिल्ट एरिया आ जाता है। अराउंड 2 कार की पार्किंग एक तरह से आपको मिल जाती है यहाँ पे अगर आप देखोगे। और पीछे आपका इससे जो है आपका सर्वेंट क्वार्टर है विद कॉमन वॉशरूम। और ये हमारा यहाँ पे आ जाता है ऊपर एंट्री, ये हमारी इस तरफ लिफ्ट आ जाती है और उनके हमारे लिफ्ट है। ये हमारा जो आ जाता है स्टिल्ट एरिया। ये हमारी जो है एंट्री रहने वाली है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हमारा प्लॉट है और ये जो हमारी एंट्री है, खोलते ही हमारा ये लिविंग डाइनिंग एरिया का स्पेस आ जाता है। फोल्ड सीलिंग आपको सेम ऐसे मिलेगी और ग्रेनाइट आपको नीचे दिख रहा होगा, और ये आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस हो गया। जो फैन लाइटिंग ये सब आपको इसके अंदर मिलेगी। तो ये आपका एक स्पेस है जिसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। स्पेस को आप, ये आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। सो ये हमारा किचन आ जाता है एज इट इज आपको मिलने वाला है, बिल्कुल फ्रेश आपका बिल्डर फ्लोर है, ये न्यूली बिल्ड बिल्डर फ्लोर है। तो ऐसे आपको जो ये मॉडुलर किचन मिलने वाली है, फुली मॉडुलर किचन है विद होब एंड चिमनी। किचन में मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ चिमनी का। तो ये आपने ऐसे किया, आपका ये ऑन हो गया चिमनी। अगर आपको सेकंड नंबर पे करनी है तो, थर्ड पे करनी है तो ये आपको स्मार्ट फीचर आपको जो है चिमनी के, ये आपको देखिए, ये आपकी किचन है, गीजर आपको इसमें फिटेड मिलेगा, होब चिमनी। अगर आप फेबर के आपको फिटिंग मिल रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये आपका वॉशिंग एरिया, ये आप यहाँ पे आप अपना फ्रिज का आपका स्पेस आ जाता है। फुली मॉडुलर किचन आपको मिलने वाली है, एग्जॉस्ट भी आपको उसमें अगर ऊपर देखोगे एग्जॉस्ट भी फिट है इसके अंदर।
सो ये हमारा इस हिसाब से फुली मॉडुलर किचन है। यहाँ भी आपका स्पेस है, यहाँ पे भी आप फ्रिज रख सकते हो। फिर हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपका अगेन हम लिविंग डाइनिंग एरिया में आ गए हैं। ये आपका एक बालकनी हो जाती है जो आपकी बेडरूम से भी अटैच है। वहाँ पे आपका एक वॉशिंग एरिया हो जाता है। ये आपका बेडरूम है और ये भी आपके फुल बालकनी है। ये हमारा नीचे व्यू आ जाता है। ये सीधा हमारा जो है मेन रोड सेक्टर रोड पे चला जाता है। ये एरिया फुल ग्रीनरी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो वापस अगेन हम अपने लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर जाते हैं। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के साइड। सो ये आपका एक पाउडर रूम है जो फर्स्ट बेडरूम के साथ आपका अटैच भी है। पहले मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। सो अपनी वुडन फ्लोरिंग रहेगी और ये बालकनी, जैसे मैंने आपको बालकनी दिखाई, अटैच्ड है हमारी लिविंग डाइनिंग स्पेस से। और ये हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। ये आपको वार्डरोब फिटेड मिलेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं। न्यूली बिल्ड आपका जो है बिल्डर फ्लोर है। ये आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया, वॉशरूम आपका अटैच्ड है, गेस्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। सो ये आपको जगवार की फिटिंग मिलती है इसके अंदर। गीजर फिटेड है, आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया आपका, पूरी आपको फिटिंग मिलती है इसमें। सो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम। तो बिल्डर फ्लोर में आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि रूम साइज काफी बड़े मिलते हैं। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं तो 15x12 का आपको साइज मिल जाता है। वार्डरोब आपके, ये देखिए, ये अभी पेपर जो है अभी उतारना है, अभी न्यूली बिल्ड बिल्डर फ्लोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जैसे आप पेपर उतारते हो तो आपके वार्डरोब, और ये यहाँ पे आपका जो है वॉशरूम अटैच्ड है। जगुआर की अगेन इसमें फिटिंग मिल जाती है आपको। आपका गीजर फिट है, आपका फैन आपका फिट है, लाइटिंग सब कुछ आपको फिट मिलेगा इसमें, स्विचेस। आपको फोल्ड सीलिंग हो गया, ये आपके वार्डरोब आ जाते हैं। ये आपकी बालकनी है। बालकनी जब हम लास्ट बेडरूम में जाएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे स्विचेस आपको इसमें लगे हुए मिलते हैं। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की साइड। ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। फॉल सीलिंग, फैन, स्विचेस, लाइट सब आपको इसमें मिलता है। ये सामने हमारा वार्डरोब है। वार्डरोब में ये अभी पेपर उतारना है, अभी बिल्कुल न्यूली बिल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये भी अराउंड 15x12 का आपको आ जाता है। ये अटैच आपका वॉशरूम हो गया। फैन, लाइट, फिटिंग सब इसके अंदर आपको मिलेगा। अगेन जगुआर की फिटिंग मिलेगी इसमें आपको। अब हम चलते हैं हमारी बालकनी जो अटैच्ड है दोनों बेडरूम से, रनिंग बालकनी आपकी। ये हमारी बालकनी आ जाती है। आप साइज देखिए बालकनी का। यहाँ पे भी हमारा जो है एक वॉशिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी आप अपना एक वॉशिंग एरिया बना सकते हो। ये पूरी हमारी रनिंग बालकनी है। ये हमारा सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम। सो अगेन हम अपने लिविंग डाइनिंग एरिया में जा रहे हैं। सो ये कंप्लीट इसका लेआउट था। बाकी अगर आप मुझे कॉल करते तो मैं इसका लेआउट भेज सकता हूँ, जिसमें आपको रूम साइज, वॉशरूम का साइज, किचन का साइज, आपको सारी डिटेल जो है इसके अंदर मिलती है। सो ये था हमारा बिल्डर फ्लोर। सो अगर मैं अगेन समराइज करूँ तो 240 गज के अंदर ये हमारा प्लॉटिंग पे डेवलपमेंट आ जाती है। हमारा जो है ग्राउंड, और फिर उसके बाद स्टिल्ट, और फिर उसके बाद चार फ्लोर, जैसे बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट होता है। और जैसा कि मैंने बताया, 3 BHK विथ 3 वॉशरूम,
सर्वेंट रूम हमारा मिल जाता है स्टिल्ट में विद कॉमन वाशरूम। सो हर फ्लोर को एक जो है सर्वेंट रूम भी मिल जाता है विद कॉमन वाशरूम। दो आपको कार पार्किंग मिल जाती हैं। और साउथ सिटी के अंदर हमारी डेवलपमेंट है हुड्डा मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर और NH8 से 1.5 से 2 किलोमीटर की हमारी कनेक्टिविटी आ जाती है। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, 12 मीटर रोड के ऊपर है, मेन सेक्टर रोड भी बिल्कुल लेस देन 1 मिनट का डिस्टेंस पे मेन सेक्टर रोड भी आपकी आ जाती है और कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताई। सो अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो है 2.45 CR का, सेकेंड और थर्ड फ्लोर जो है वो है 2.35 CR के, और जो आपका टॉप फ्लोर है जिसके साथ रूफ एक्सेस मिलते हैं वो मिलता है 2.65 CR का। सो इस हिसाब से कोई इसकी प्राइसिंग है। बाकी अगर आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड या आप देखना चाहते हो इस बिल्डर फ्लोर को तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा वीडियो बिल्डर फ्लोर इन साउथ सिटी 1। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।